इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री अनीश कौशल, श्रीमती स्वाति कौशल उर्फ नूरी, आरुषि कौशल एवं मार्या कौशल, जैक्सन विले, फ्लोरिडा, यूएसए। जय चिनिंद्र दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास पेशकश में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्षा काल में एक ही स्थान पर चार मास तक रहकर इस दौरान की जाने वाली आत्मसाधना चातुर्मास कहलाती है। इसी प्रसंग में बीते दिनों देश भर में जगह जगह जैन साधु संतों के चातुर्मास हेतु कलश स्थापना समारोह के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के जिला मंडला स्थित व्रति नगर पिंडरई में रविवार 28 जुलाई 2024 के शुभ दिन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज का, एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज का एवं एलक श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज के मंगलमय वर्षावास 2024 हेतु चातुर्मास कलश स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसी भव्य कार्यक्रम पर आधारित यह विशेष प्रस्तुति। ये रविवार 28 जुलाई 2024 का मंगल दिवस था। पिंडरई मध्य प्रदेश में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2024 हेतु भव्य चातुर्मास कलश स्थापना का भव्य आयोजन किया गया था। प्रातः का समय था। इस दौरान यहां सबसे पहले कार्यक्रम की मंगलता के लिए मंदिर जी में मंगल ध्वजारोहण के सुंदर उपक्रम को सम्पन्न किया गया। तत्पश्चात मंदिर जी परिसर में भक्तगण पूज्य मुनि श्री सत्संग का मंगल पूजन वंदन करते हैं। ओम रूम परम दिगम्बराचार्य जनाचार्य महाकवि योग साधक उदाचस विद्यासागर जी महामुनिंदाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं नृपामि ते स्वाहा। पिछिर पिछिए तू बता तूने कौन सा कर्म किया है, पूछो कर गुरुवर ने अपने हाथों में थाम लिया है। ओम रे परम दिगम्बराचार्य जनाचार्य महाकवि योगी साधक कुंडल पर बड़ी बार विराजमान करता पंच कल्याण संपन्न कर दो चरणों में अष्ट कर्म दहनाए धूपम निरूपादि स्वाहा। उदात चरणों में महामोक्ष पल प्राप्ताय फलम नृपामते स्वाहा। चारि ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। ओम रीम परम दिगम्बराचार्य जैनाचार्य अत्यवर समाज सम्राट गुरुदेवाचार्य पश्री महायोग साधक मुनिराज आर्य कैले सुधिया प्रदाता गुरुकुल ब्रह्मी आश्रम आशीर्वाद प्रदान करता चरणों में नौ कोटि पूर्वक आज ध्वजारोहण कल सर्वण स्थापन बेला में नौ कोटि पूर्वक जल फलादि महारिगम नृपामते स्वाहा। गुरुदेव के कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। ओम प्रेम पूज नवोदिताचार्य ज्ञान तपस्वी योग साधक समय सागर मुनिंदाय चरणों में नव कोटि पूर्वक जय फला महापूर्णरिघम नृपामते स्वाहा। निरापक मुनिराज संत सागर मुनिराज से तय चरणों में कल सर्वण स्थापना ध्वजारोहण स्थापना की मांगलिक बेला में नव कोटि पूर्वक जय फला दी महारिघम नृपामते स्वाहा। इस दौरान भक्तगण गुरु भक्ति करते हुए पूज्य मुनिश्री को मंगल अर्घ्य एवं शास्त्रादि भेंट करते हैं।
मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ससंग को साथ लेकर भक्तगण एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम स्थल विद्या स्वभाव भवन पहुँचते हैं। यहाँ मंगल जयकारों के दिव्य घोष के बीच पूज्य गुरुदेव ससंग का भव्य स्वागत किया गया। पूज्य गुरुदेव के यथास्थान विराजमान हो जाने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच से कार्यक्रम का संचालन शुरू किया जाता है। प्रतिष्ठाचार की जो कि पूरे भारतवर्ष में आप मंच का संचालन करते हैं, मंगल कलश स्थापना का जोरदार से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आदरणीय नितिन भैया जी का आज के मंच का संचालन। महानुभाव, ये बहुत बड़ा प्रसंग है, इस प्रति नगरी पिंडरई को मिल रहा है। चूंकि पिछले एक दो महीने से कुंडलपुर में प्रवास रहा पूज्य श्री का, और वहां ये पिंडरई नगरी वाले पहुंचते रहे और इन्होंने पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के समक्ष पंच कल्याण की भावना रखी, और उसी को देखते हुए पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अपने अनुज निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज को इस प्रति नगरी में भेजा है महानुभाव, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। इतने में ही श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। मैं तो भूल गई कुछ भी कह रहा, तेरी प्रीत में रोवत हने ना, विद्या सा गई तू रोने, विद्या सा गई रोने, समता सा गई तू रोने। कार्यक्रम आगे बढ़ा और मंच से कुछ सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। स्वर्ग है ओ तेरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं, स्वर्ग है ओ तेरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं, अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी बधारे हैं। जय हो इस बीच कार्यक्रम में निकट एवं दूर के स्थानों से पधारे गुरु भक्तों द्वारा पावन गुरु चरणों में श्रीफल भेंट किया गया। संत सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे, हे गुरुवर हम सबको आशीर्वाद देने, हम सब इस चातुर्मास कराने के लिए संकल्पित हैं, आपका जैसा आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। हे गुरुदेव, हम बार बार आपको नमोस्तु करते हैं, त्रै बार नमोस्तु करते हैं। ये देव मेरे गुरु
देव मेरे संतास आ गए, रखना मेरी लाज मेरी तुम आगम के संतास आ गए, यही कर लो चौमासा पूज गुरु संतास आ गए, यही कर लो चौमासा। पूज श्री के पावन चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पूज श्री अपनी 2024 के पावन वर्ष आयोग की स्वीकृति सभी समाज जनों के सामने प्रदान करें, ऐसा मेरा पूज्य श्री के पावन चरणों में निवेदन। मैं इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज पिंडरी की प्रतिनिधित्व में दिगंबर जैन पंचायत और संरक्षक मंडल की उपस्थिति में समस्त कार्यकर्ता महिला मंडल की उपस्थिति में आज घोषणा कर रहा हूं, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन की परंपरा में, आचार्य प्रवर कुंद स्वामी की परंपरा में, वर्तमान के शासन नायक दिगंबर आचार्यों की परंपरा में, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनके प्रधान शिष्य गुरुवर आचार्य विद्या सागर जी महाराज जी के प्रधान शिष्य और वर्तमान के संघ नायक आचार्य समय सागर जी महाराज की आज्ञा से मैं पिंडरई धर्म नगरी वृति नगरी में चातुर्मास स्थापित करने की घोषणा कर रहा हूँ। और इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों द्वारा चातुर्मास कलशों के पुण्यार्जन हेतु पूर्व प्रस्तावित योजना के अनुरूप मंच से उद्घोषणा के फलस्वरूप चातुर्मास कलशों का पुण्यार्जन किया गया। इस क्रम में पुण्यार्जनकर्ता भक्तों को उनके चातुर्मास कलश प्रदान किए जाते हैं। आयोजक मंडल द्वारा पुण्यार्जनकर्ता श्रेष्ठी मान्यवरों का भव्य बहुमान किया जाता है। एक गुरु भक्त परिवार द्वारा पूज्य गुरु चरणों में हस्त निर्मित एक सुंदर पेंटिंग का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। एक बड़ा गेट बनाने के लिए जो भी धनराशि होगी उसकी मैं आज कामना करती हूं। और आपके आज यहां पे हम घोषणा करते हैं कि बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से आपके रहते ही इसके भूमि पूजन और शुभारंभ करेंगे। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। इसी बीच गुरु भक्तों द्वारा पूज्य मुनिश्री एवं पूज्य अलक द्वय को शास्त्र भेंट किया जाता है। तत्पश्चात पुण्यार्जनकर्ता गुरु भक्त परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया जाता है। इस दौरान पूज्य अलक श्री को शास्त्र भेंट किया जाता है।
पश्चात पूज्य मनीश्री के मंगल प्रवचन होते हैं। किस पिंडरी की धर्म नगरी में धन की वर्षा होगी, कुबेरों का खजाना खुलेगा और पिंडरी वासियों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। देखने को छोटा सा गांव दिखता है पर व्यापार के साधन भी इनके अपने तरीके के बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं और दान की भावना भी बहुत समर्पण के साथ है। बाकी में एक अच्छा अनुभव हो रहा है कि महानगरों में भी चतुर्मास किया पर कलशों में इतना माहौल महानगरों में भी नहीं बना। कार्यक्रम में आगे समारोह में देश भर के अनेक स्थानों से पधारे श्रेष्ठ गुरु भक्त परिवारों का भव्य अभिनंदन और सम्मान किया गया। इसी बीच श्रेष्ठ मान्यवरों द्वारा चातुर्मास में आगामी कार्यक्रमों के प्रसंग में एक पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम समापन पर सभी पुण्यार्जनकर्ता भक्त अपने चातुर्मास कलशों को लेकर पूज्य गुरुदेव ससंग के सानिध्य में धूमधाम पूर्वक मंदिर जी पहुँचते हैं। में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चातुर्मास मंगल कलश स्थापना की पावन क्रियाएं की जाती हैं। श्रेष्ठ मान्यवरों के द्वारा ही उनके चातुर्मास कलश स्थापित कराए जाते हैं। इस तरह बेहद हर्षोल्लास पूर्वक पिंडरई में चातुर्मास कलश स्थापना का यह मंगलमय कार्यक्रम सानंद संपन्न हो जाता है। चातुर्मास के दौरान साधु साध्वियों का सानिध्य मिलने मात्र से समाज में धर्म प्रभावना का उदय होता है और सामान्य लोग तप, त्याग और संयम के मार्ग पर चलकर अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। ऐसी परम मंगलकारी भावना के निमित्त ही पिंडरई में चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो दर्शकों, हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री अनीश कौशल, श्रीमती स्वाति कौशल उर्फ नूरी, आरुषि कौशल एवं आर्या कौशल, जैक्सनविले फ्लोरिडा यूएसए।